आज इंडिया लाइव की टीम पहुंची फरीदाबाद के वार्ड 24 विनय नगर ब्लॉक पार्ट 2 में, जहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों का आरोप है हमारा जीना सार मुश्किल हो गया है। कहने को तो NCR सुविधा के नाम पर यहां कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाता। पार्षद, विधायक और सांसद सभी BJP के होने के बावजूद यहां पर हालात बद से बदतर हैं। ना तो सड़कें हैं, ना पीने का पानी और ना ही बिजली। चुनावी मौसम आता है, नेता यहां वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर सब 5 साल गायब हो जाते हैं। यहां के लोगों का आरोप है कि 3 से 4 महीने से करीब यहां पर बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि आए दिन कोई न कोई हादसे होते हैं। सड़क में तार एकाएक से जलने लगता है। क्या बिजली प्रशासन यही चाह रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो तब हम जागे? सुनिए लोगों का दर्द क्या कह रहे हैं। 3 महीने से डेली टूटती है और इसके लिए हमने कंप्लेंट GI को, SDO को, एक्शन को और हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं उनको, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनको, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनको, हर एक को हमने कंप्लेंट करी, गुजारिश करी कि किसी तरीके से हमारी ये केबल चेंज कर दो। यहाँ 12 फुट की गली से ये जो मेन लाइन आई है ये बार बार टूटती है और जान माल का खतरा। अभी गाय भी मर गई थी। एक हफ्ता पहले एक गाय मरी। ये बड़ी दस्तक है लोगों की पुकार की। हालात देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप NCR में रहते हैं। शासन में बैठे अधिकारी और नेता दोनों मिलकर लोगों के साथ गंदा और भद्दा मजाक कर रहे हैं। बिजली विभाग के JEE SDO सब के सब अपने आँखों में पट्टी बांधे और कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं, की वजह से कई बार तार खेलते हुए बच्चों के आसपास गिरता है। लोगों को भी डर रहता है कि आखिर वो यहाँ रहे तो रहे कैसे, लेकिन मजबूरी और पेट की भूख के कारण लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। फरीदाबाद से इंडिया लाइव ब्यूरो।